लाइगर का नॉर्थ और साउथ में क्या बुरा हाल हुआ आप सबको पता है। फिल्म की रिलीज से पहले जहां सितारे, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के गले में बाहें डाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं फिल्म फ्लॉप होते ही उनके बीच मतभेद की चर्चाएं हैं। इसी बीच एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें माइक टायसन बता रहे हैं कि उन्हें ये फिल्म याद ही नहीं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जहां ऑडियंस ये कह रही है कि फिल्म फ्लॉप तो हुई, साथ ही साथ अब माइक टायसन के इस बयान ने फिल्म की और भी ज्यादा बेइज्जती कर दी है क्योंकि माइक टायसन को ये फिल्म अब याद ही नहीं है। असल में ये वीडियो पिछले साल का है जहां एक इंटरव्यू के दौरान माइक टायसन से उनकी आने वाली बॉलीवुड फिल्म के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उस वक्त ना जाने माइक टायसन क्या सोच रहे थे कि उन्हें लाइगर बिल्कुल भी याद ही नहीं थी। आयरन माइक लाइगर में नजर आएंगे ये बात काफी सुर्खियों में रही थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद माइक टायसन ने फिल्म को पहचानने से इनकार कर दिया है। मगर जैसे कि हमने बताया, असल में ये वीडियो पिछले साल का है